दिल्ली की कथित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम घोटाला तक कई स्कैम्स में फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल सरकार के कई मंत्री और अधिकारी इन घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फंस चुके हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले में तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही मुख्य आरोपी बताए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी की लो फ्लोर 1000 बसों की खरीद में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। मतलब यह कि एक और घोटाले में अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खुलने जा रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के आधार पर सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली थी, लेकिन अब एलजी के निर्देशों के बाद सीबीआई के जांच का रास्ता साफ हो गया है और केजरीवाल सरकार के खिलाफ अब परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है। 1000 डीटीसी लो फ्लोर बस खरीद मामले में अब सीबीआई जांच करेगी, जिसमें आप सरकार के कई नेता और अधिकारी फंस सकते हैं। गौरतलब है कि एलजी सचिवालय को जून 2022 में मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। टेंडरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमेटी में मंत्री कैलाश गहलोत को चेयरमैन बनाने और डीआईएमटीएम को मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जिम्मेदारी देने के मामले में अनियमितता की शिकायत की गई थी। 1000 लो फ्लोर डीटीसी बसों की जुलाई 2019 में खरीद और BS6 बसों की एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2020 में होना था। जून 2022 में एलजी से शिकायत के बाद जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री को जांच के लिए शिकायत भेजी गई थी। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हालांकि टेंडर को रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट में टेंडर प्रोसेस में अनियमितता, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के दिशा निर्देशों और जनरल फाइनेंशियल रूल्स के उल्लंघन का आरोप है। इस मामले में 3 सदस्यों की रिटायर्ड आईएएस ओपी अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हुई थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इससे पहले बस खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था और केंद्र सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा बसों की खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध एएमसी में भ्रष्टाचार का मामला इस साल मार्च में दिल्ली विधानसभा में भाजपा द्वारा उठाया गया था। उसके बाद जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियागत खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था। शिकायत में आरोपों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच में पहला कदम यह है कि वे प्रथम दृष्टया प्राथमिकी के योग्य अपराध का संकेत देते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवादों में है। पहले उसके मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे और अब दिल्ली की नई आबकारी नीति बनाने में हुए घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया है। यही नहीं, इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो चुकी है और वो सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर सकती है। सीबीआई ने आबकारी घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेज ईडी को सौंप दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।